उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको खदेड़ा, जिसके बाद चीन पीछे हटा है। उसके बाद वहां पर कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है और अभी मामला फिलहाल वहां पर शांत बना हुआ है, लेकिन इस पर संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्री ने एक अहम मीटिंग बुला ली है। तो चीन को गलवान के बाद अब एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी करारी मार झेलनी पड़ी है। भारतीय सैनिकों ने चीनी साजिश का जवाब देते हुए उनके बंकर तोड़ दिए हैं। चीनी सेना तवांग में LSE पर विवादित तरीके से बंकर बनाने के साथ तारबंदी कर रही थी और भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी ने इसका विरोध किया, तो चीनी सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया और जिसके बाद भारतीय जवानों ने चीनी बंकर तोड़ डाले और तारबंदी को भी उखाड़ दिया गया। चीनी फौजियों के औजार भी भारतीय सैनिकों ने तोड़ दिए। 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद 11 दिसंबर को बताया जा रहा है कि करीब 300 चीनी सैनिक भारतीय बंकर की तरफ बढ़े थे, जहां उन्हें भयंकर मार का सामना करना पड़ा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को न केवल LSE के उस पार भगाने में मजबूर कर दिया, बल्कि 20 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस झड़प में भारत के करीब 8 सैनिकों के घायल होने की खबर है, जिसमें से 6 का इलाज इस वक्त चल रहा है। पूरा मामला दोनों देशों की कोर कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग के बाद फिलहाल शांत होगा और आज इस झड़प की गूंज संसद में भी सुनाई देगी। इस खबर के सामने आने के बाद ही कांग्रेस और शिवसेना समेत कई विरोधी दलों ने मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग की है। चीन ने गलवान वाली गलती फिर दोहराई। PLA ने अब तवांग में मुंह की खाई। ड्रैगन के दुस्साहस को भारतीय सेना का करारा जवाब। गलवान से तवांग तक फिर चीन को करारी चोट लगी। चीन के नापाक इरादों पर भारतीय सेना ने फिर पानी फेर दिया। लद्दाख सेक्टर में समझौते का दिखावा करने वाला चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में 9 दिसंबर को अस्थाई निर्माण का विरोध करने पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर पथराव किया, जिसमें 8 भारतीय सैनिक घायल हो गए। भारतीय सैनिकों ने चीनी बंकर और बैरिकेडिंग तोड़ दी। 11 तारीख को करीब 300 चीनी सैनिकों ने फिर हमला किया। इस बार जमकर हाथापाई हुई और चीनी सैनिकों को मार खाकर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार 12 दिसंबर को कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद हालात काबू में आए। 9 तारीख को चाइनीज PLA तवांग के यांगसे एरिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब आ गया। यहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग और दूसरी नफरी के साथ